मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए आप? सर जनवरी। लो मेगा मैम के साथ ही शुरू करा था क्या आपने? आपके साथ जो बैठी हैं उन्होंने भी जनवरी में ही शुरू करा था। कैसा रहा 2-3 महीने का सफर? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा से मतलब अज्यूम कर रहा हूँ पैसा आ रहा है? हाँ आ रहा है। अरे वाह। रुचिता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 38 शेयर है। सर इसमें मुझे और इन्वेस्ट करना है तो मेरा जो टारगेट है 2030 का है। 2030 तक के लिए लिया है यानी कि यहाँ से 6 साल और इंतजार कर सकते हैं। मुझे और लेना है एक्चुअली। 38 मैंने लिया है और अगर लेना हो तो समझ गया। थोड़ा एडवाइस कीजिए। अविनाश जी हैं मदद करने के लिए। अविनाश जी फाइनली बहुत बढ़िया रीरेट तो हुआ ये स्टॉक। कहाँ सब 100 वाला स्टॉक 2020-21 में और कहाँ आज बढ़िया 500-550 रिटर्न बढ़िया कमा के दिए। है भी इंटरेस्टिंग कंपनी, एक बढ़िया एज है अपने पीयर्स के ऊपर आई एम श्योर रिसर्च कैपेबिलिटीज के लिहाज से। कैसा है ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए? अगर 2030 के टाइम होराइजन के हिसाब से लेना और भरना हो तो भरने लायक है क्या और इन लेवल्स पे भरने लायक है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने एक 2030 की बात की है। मैं तो कहूंगा कि अगले 3 साल अगर ये शेयर ये होल्ड करती है तो बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा। इसका मेन कारण है कि देखिए जो एथेनॉल का इक्विपमेंट बनता है इंडिया में उसका मेजर मार्केट शेयर यू नो प्राज इंडस्ट्रीज बनाते हैं और एथेनॉल की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि FY 2026 तक यू नो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जाएगा तो इसका फायदा ऑब्वियसली एथेनॉल प्लेयर्स पे रहेगा और गवर्नमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज यू नो बचाना चाहती है तो यू नो ऑब्वियसली एथेनॉल का यूज ज्यादा होगा तो ये एक ट्रिगर रहेगा। प्लस कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जैसे कि बायोगैस है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड एविएशन फ्यूल है तो ये सारे R&D प्रोजेक्ट्स अभी कंपनी कर रही है। अभी तक इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ नहीं है बट अगले 2-3 साल में हमारा मानना है कि ये दो प्रोडक्ट्स भी जब कमर्शियलाइज होंगे तभी कंपनी को काफी फायदा होगा क्योंकि ये बिजनेस में इनकी मोनोपोलिस्टिक यू नो सिचुएशन है, कोई और बनाता नहीं है और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत बहुत आगे है दूसरों के आगे। इनका टॉप मैनेजमेंट भी काफी वेल क्वालिफाइड है तो अगर 2-3 साल का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो इसमें एक और पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। अभी कितना नीचे आएगा कहना मुश्किल है बट मैं कहूंगा कि 3 साल में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन आपको इस लेवल से भी मिल सकता है। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस की, अगले 2-3 साल आप निवेशित रहिए। डाल सकते हैं वही पैसा, पेशेंस रखें, 3 साल का टाइम होराइजन ही काफी रहेगा, बहुत बढ़िया रिटर्न शायद कमा के दे। बात सही है, क्लियर कट एज है रिसर्च में, 300 पेटेंट्स हैं शायद इस कंपनी के पास। रखिए भाई, सही चॉइस है, अच्छे भाव पे मिल लिया आपने और अच्छी स्टॉक को और ऐड करने की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद से प्रिया गुप्ता।